फर्जी मानव आयोग अध्यक्ष के विरुद्ध महिला थाने में एक और अवैध रूप से चमका कर रुपया लेना और नहीं देने पर तलाक की धमकी देने का मामला आया सामने। आपको बता दें, महिला थाने में महिला आयोग की अध्यक्ष बताने वाली महिला शिरीन हुसैन के खिलाफ एक और मामला वर्षा विश्वकर्मा द्वारा अपराध पंजीकृत कराया गया है। मामला वर्षा विश्वकर्मा ने फर्जी महिला आयोग की अध्यक्ष शिरीन हुसैन द्वारा 20,000 रुपये की अवैध रूप से वसूली और उनके साथ और भी 20,000 की मांग करने की बात कही गई है। उसी को लेकर वर्षा विश्वकर्मा परेशान होकर फर्जी महिला के खिलाफ महिला थाने पहुंचकर प्रकरण पंजीबद्ध कराया। मैडम बताइए कि किन्ने आपके साथ धोखाधड़ी करी और क्या हुआ? मैं वर्षा विश्वकर्मा, मैं केसरबाग में रहती थी। तो मेरे को ना फेसबुक के जरिए शिरीन का पता मिला था, नंबर भी मिला था कि आप मेरा पारिवारिक विवाद चल रहा था महिला थाने में, तो उसका निराकरण के लिए मैंने शिरीन से बात करी थी। तो उसके घर नागगिरी के वहाँ उसका घर है, तो वहाँ गई थी मैं। तो वहाँ पे उसने मेरे से 500 रुपये का फॉर्म भरवा के और मेरे से बोलते तेरे लिए कार्रवाई करूँगी, तेरे पति को समझाऊँगी बोले। मेरी काफ़ी लोगों में जान पहचान है, बड़े बड़े लोग जानते हैं मेरे को, मेरे बहुत सारे बंदे भी हैं, जैसे अपने तरीके से बात कर रही थी। और उसके बाद में मैंने उसको, वो पैसे की डिमांड कर रही थी मेरे से, तो मैंने पैसे की डिमांड पूरी नहीं करी, तो उसने मेरे पति के साथ में मेरे घर आके धमकी दी थी मेरे को कि बोले तेरा पति जैसा बोलेगा वैसा करना पड़ेगा, तेरे पति के साथ तेरे को रहना पड़ेगा, नहीं तो तेरे को तलाक दे देगा तेरा पति। कितने पैसे ले लिए तुमसे? मेरे से अभी तक उसने 20,000 रुपये ले चुकी है। और क्या बोल के लिया, क्या अपनी पोस्ट बताई थी उसने? मानव अधिकार की बड़ी अधिकारी हूँ मैं, और बोलती मेरे को सब बड़े बड़े अधिकारी जानते हैं। शिकायत कर दी आपने? हाँ, महिला थाने में कर दी है। पुलिस ने मदद करी? पुलिस ने मदद करी बिल्कुल, मेरी मैडम ने भी, महिला थाने मैडम ने भी उसको पहले बोला था, समझा भी दिया था, जब भी मानी। और कितने पैसे की मांग कर रही थी? अभी बोल रही थी बोले पैसे दो, बोले मेरे को कभी 10,000 बोलती है, कभी 15,000 बोलती है। अब मैं तो खुद का सिलाई का काम करती हूँ, अब मेरा पर्सनल जो लोन, समूह का लोन लेके मैंने उसको, उसमें से पैसे दिए समूह के लोन में से। इतने टाइम से मैं खुद का भरण पोषण, बच्ची का खुद अकेली कर रही हूँ, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा था।